क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। इस नंबर सीरीज में आपने रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करनी है। नंबर सीरीज है 3, 7, 15, 39, 63, 127, 255, 255 एंड 511। तो देखो जी, 3 से 7 बना है, 7 से 15 बना है, 3 से 7 बना है, 7 से 15 बना है, 15 से 39 बना है, किसी तरह बना है, देखते हैं कैसे बना है। ठीक है, एक बार देखो, अगर इन्हीं से थोड़ा आइडिया लग जाएगा, 3 से 7 कैसे बना है और 7 से 15 कैसे बना है। 3 का डबल होके 1 ऐड हो गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1, 3 दूनी 6 प्लस 1 7, ऐसे 7 दूनी 14 प्लस 1 15, बन गया ना 15। अब यहाँ पे भी क्या आना था, 15 दूनी 30 प्लस 1 31, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 31। ये गलत हो गया, यहाँ पे 31 आना चाहिए था, ना कि 39। तो 31 ठीक है, आगे लगाओ, लग रहा है, चेक करो, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 करो, 31 टू ज़ा 62, 62 प्लस 1 63, यहाँ पे लगा के देखो, 63 टू ज़ा प्लस 1, 63 टू ज़ा 126 प्लस 1 127, बन गया जी। यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 127 का डबल कितना होता है, 254 प्लस 1 करोगे तो 255 बन जाएगा। यहाँ पे भी करो, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 255 का डबल कितना होता है, 255 का डबल कितना होता है, 510 प्लस 1 511। सब जगह बन रहा है, बस एक जगह नहीं बना, यहाँ पे 39 पे नहीं बना, यहाँ पे 31 आना चाहिए था। रॉन्ग टर्म क्या है इसका, बी ऑप्शन 39। दोबारा बता रहा हूँ, 3 से 7 कैसे बनाए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस 1 कर देते हैं, 3 दूनी 6 प्लस 1 7, अगली टर्म बन जाती है। ठीक है, मीन्स 3 से 7 ऐसे बनता है, 7 बन गया। अब 7 से नेक्स्ट टर्म कैसे बनती है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 1 करते हैं, मीन्स 14 प्लस 1 करते हैं, अगली टर्म 15 बन जाती है। ऐसी 15 से नेक्स्ट टर्म कैसे बनेगी, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 दूनी 30 प्लस 1, मीन्स यहाँ पे 30 बनेगा, प्लस 1 करोगे तो क्या बन जाएगा, 31। फिर 31 से नेक्स्ट टर्म कैसे बनेगी, ठीक है, रॉन्ग है ना, यहाँ पे 39 रॉन्ग टर्म है, यहाँ पे 31 आना चाहिए था। 31 को क्या करोगे, 31 को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे प्लस 1 करोगे, 31 टू ज़ा 62 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 63। सिमिलरली 63 को पकड़ोगे, 63 को आप डबल करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे फिर उसमें प्लस 1 करोगे, 63 टू ज़ा 127 होता है, प्लस 1 करोगे तो 128 बन जाएगा। अगला पकड़ो, 128 को, सॉरी 126 होता है, 63 ज़ा 126, 63 टू ज़ा 126 प्लस 1 127 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 127। फिर 127 को करो, 127 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो फिर प्लस 1 करो, कितना बनेगा, 254 बनेगा प्लस 1, 255 बन जाएगा। ऐसे ही इसको डबल करके 511 बन जाएगा। तो आंसर क्या है इसका, बी ऑप्शन।